اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين ये जो हवाई जहाज चल रहा है इसको बंद कर रहे उसी की वजह से वो आवाज खींच रहा है मैंने इसको उधर कम करें जितना हो सके कम आवाज उसी की वजह से खींच रहा है बच्चों को माइक वाला जहां भी हो वो जल्द जल्द माइक के पास आए माइक वाला सोहेल भाई डीजे वाले कहां हैं जो जिसके वाले होते हैं वो उसके पास होते हैं जिसके वाले उसके पास नहीं होते तो दूसरे उसके पास आ जाते हैं قابل صد احترام حضرات علماء اکرام اساطین علم و فضل تاکلی کھیڑا اور اس کے اطراف سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام قابل تعریف یہاں کے نوجوانان اسلام عزیز طلباء و طالبات اللہ بزرگ برتر کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہم تمام کو انتہائی مبارک نسبت پر جمع فرمایا ہے اللہ رب العزت ہمارے یہاں جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے اور جن حضرات نے بھی جس اعتبار سے بھی قربانی پیش کی ہے محنت کی ہے کوشش کی ہے اللہ رب العزت اپنی شان تو بہت زیادہ محنتیں کوششیں کرنا پڑتی ہیں یہ تو ماشاءاللہ بڑا شاندار پروگرام آپ حضرات نے منعقد کیا ہے کئی دنوں سے آپ حضرات
और कई महीनों से ये मुअल्लिमीन हजरात और तलबा तालिबात मेहनत में लगे हुए होंगे, तब जाकर ये असर से अब तक का प्रोग्राम जो हमारे सामने पेश हुआ है ये बआसानी हम समाअत कर पाए, सुन पाए, महजूज हो पाए। और आप हजरात की ये जिंदा दिली है और बड़ी सखावत और फैयाजी की दलील है और इल्म और उलमा से मोहब्बत की अलामत है कि आप ऐसे पुरफितन दौर में मोबाइल से, टेलीविजन से और तरह तरह की वाहियात और खुराफात वाली चीजों से अपने आप को बचाकर यहां जो हमारा मुस्तकबिल है उनकी हौसला अफजाई के लिए और ये गुनहगार सियाहकार जो आपके सामने हाजिर हुआ है इसकी बातों को सुनने के लिए यहां तशरीफ फरमा हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला आप हजरात की तवज्जुहात और आपके नेक अमाल की बरकात से अच्छी नेक मुफीद और मुअस्सिर बातें कहने की और उन पर हम सब को इखलास के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, लोग दो तरह के होते हैं। एक किस्म के लोग वो होते हैं जिन्हें वफादार कहा जाता है और दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जिन्हें गद्दार कहा जाता है। किसी ने कहा था, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा गद्दार को। लोग दो तरह के, एक किस्म के लोग वो होते हैं जिन्हें वफादार कहा जाता है, जिसका खाते हैं उसका गाते भी, और दूसरे वो होते हैं जो नमक हरामी करने वाले होते हैं, खाते किसी और का हैं और गुन किसी और का गाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वफादार बंदों को कुरान करीम में जा बजा या अय्युहल्लज़ीन आमनू कहकर पुकारता है। ए वो लोगों जो मुझे मानते हो, मेरी इताअत के लिए तैयार रहते हो, वफादार हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत शरीफा में बड़ा जबरदस्त हुक्म इरशाद फरमाया है और ये अपने वफादार बंदों को खुसूसी तौर पर हुक्म दिया है। क्या फरमाया है? वफादार बंदों से, ईमानदार बंदों से, ईमान वालों से, मानने वालों से, इताअत गुजारों से, फरमाबरदारों से फरमाया, कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को भी और अपने मातहतों को भी, अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह तबारक व ताला का जो मेहमान खाना है यानी कि जन्नत, उसे समझने के लिए भी कुछ नमूने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में रखे हैं और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैद खाना, जेल खाना और मजहर जलाल जो बनाया है उसका नमूना भी, उसकी सजाओं के नमूने भी दुनिया में अल्लाह ताला ने बनाए।
नेमतों को देख कर इस्तेमाल करके जन्नत की नेमतों की जानिब वफादार ईमानदार अपना जहन उस तरफ ले जाता है और ले जाना चाहिए। और यहाँ की सजाएं, यहाँ की अजियतें, यहाँ का दर्द, यहाँ का रंज, यहाँ का गम, यहाँ के सांप बिच्छू और दर्दनाक चीजें वो देख कर महसूस करके जहन्नम याद आना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। उसी को किसी ने यूं कहा, फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उकबा करके देख, फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उकबा करके देख, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख, नफ्स को राजी करके देखा, रब को राजी करके देख। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। जहन्नम में बिच्छू हैं, सांप हैं, ये हमने पढ़ा है, सुना है, बारहा सुना है। दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके नमूने रखे। साबिक शेखुल हदीस फलाह दारैन तरकेसर हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने धुलिया का एक वाकया जिक्र फरमाया कि एक काश्तकार अपने खेत में घास काट रहा था दराती से। यहां पर चूंकि काश्तकार लोगों का मजमा है, मिसाल बहुत आसानी से समझ में आएगी। घास जो काटा जाता है तो एक हाथ से पकड़ा जाता है, एक हाथ से दराती चलाई जाती है। तो वो तेजी के साथ घास काटता चला जा रहा था, काटता चला जा रहा था। उसी खेत में जिसमें घास बहुत बड़ा बड़ा था, वो काटते काटते आगे तक पहुंचा। तो हुआ ये कि जब उसने आगे चलकर घास को एक हाथ से पकड़ा तो उसमें साथ में सांप भी हाथ में आ गया। घास को काटा तो साथ में सांप के भी दो टुकड़े हो गए। लेकिन वो सांप बड़ा जहरीला था, काला था, और सांप का भी कीना बड़ा मशहूर है, जैसे ऊंटों का कीना मशहूर है। उस सांप ने कटते कटते भी उस काश्तकार के उंगली में काट लिया। काश्तकारों को बड़ी तदबीरें आती, आप सब मुदब्बिरीन हैं, मुहक्किकीन हैं, बड़े बड़े आप साइंसदान यहां पर बैठे हुए। काश्तकार वैसे इंजीनियर की पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन इंजीनियरों को फेल कर देता है। वो एक जगह पर यह हुआ कि कई सारे इंजीनियर वो इकट्ठे थे, एक पतला सा तार उन्हें दूर तक पहुंचाना था, एक पाइप था, लेकिन वो पाइप कहीं से टेढ़ा, कहीं से मेढ़ा, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं इधर कोनी कहीं उधर कोनी। और अब आप हजरात की तो जिंदगी का अक्सर वक्त जो है पाइपों के दरमियान ही गुजरता है। तो उसे एक तार, उन इंजीनियरों को एक तार पहुंचाना था काफी दूर तक। वो परेशान, तार आगे तक पहुंच नहीं पा रहा है। एक काश्तकार वहां पहुंचा, उसने कहा, क्या हुआ साहब? एक साहब तो अप टू डेट नजर आते हैं, जैसे अभी मुकालमे में आपने देखा, उलमा पर तनकीद करने वाले, उलमा के लिबास की वजह से उन्हें हकीर समझने वाले, फकीर समझने वाले, भी महीना आ रहा है सफीरों को हकीर समझने वाले, अप टू डेट होते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि हमारा क्या क्या दिख रहा है।
जब रुकू में जाते हैं तो क्या, और सजदे में जाते हैं तो क्या, नमाजें हो रही हैं नहीं हो रही हैं उन्हें इसका पता ही नहीं होता। मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश रहमतुल्लाह अलैह का तो बड़ा अजीब मिजाज था, हर प्रोग्राम में एक शलवार कुर्ते वाले को, कुर्ता पायजामे वाले को, और दूसरी तरफ एक जींस और टी शर्ट वाले को या पेंट शर्ट वाले को खड़ा करते थे और नमाज पढ़वा कर दिखाते थे, और एक खास लफ्ज इस्तेमाल करते थे। मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं कि वो लफ्ज इस्तेमाल करूं कि देखो इसका क्या दिख रहा है। तो बहरहाल वो काश्तकार वहां पर पहुंचा, उसने कहा क्या हुआ साहब? अरे तू जा तेरा काम कर, बदबू तेरे पास से आ रही है, हाथ तेरे सने हुए हैं, पैर तेरे खराब हैं, हम पढ़े लिखे इंजीनियरों को मामला समझ में नहीं आ रहा है, तू एक पक्का देहाती, तुझे क्या समझ? साहब बतलाओ तो सही, का ये तार है इतना लंबा वहां तक पहुंचाना है, तो बस इतना सा काम। हम आधे दिन से परेशान हो रहे हैं, तार को यहां से वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और तू कह रहा है कि इतना सा काम? हाँ बस 5 मिनट का काम। अच्छा हाँ, कैसे? रुको अभी आया। वो गया जाकर एक चूहा पकड़ कर लाया और चूहे की दुम में वो तार धागे से बांधा और चूहे को छोड़ दिया, और चूहा इस सिरे से उस सिरे निकल गया और तार वहां तक पहुंच गया। ये काश्तकारों की तदबीरें हुआ करती हैं, आप हजरात की जुगाड़ हुआ करती हैं। तो बहरहाल उस काश्तकार ने ये किया कि जब सांप ने कटते कटते उस काश्तकार की उंगली में काटा तो उसने बर मौका बड़ी हिकमत और दानाई का ये काम किया कि दराती से उस उंगली को अलग कर दिया, उंगली को ही काट दिया। इतना जबरदस्त इलाज उसने किया, खून बह रहा था, पट्टी वट्टी बांधी और पहुंचा और इंजेक्शन इंजेक्शन लगवाए, गोली दवा ली और वो बच गया। लेकिन कभी कभी बड़ी हरी हरी सूझती है, बड़ी जबरदस्त सूझती है, लोग कहते हैं ना वो मरते मरते बच गया, वो बचते बचते मर गया। हालांकि मौत का वक्त मुकर्रर होता है, इदा जा अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। तो खैर वो रात उसने घर पर गुजारी, दवा इलाज वगैरह हुआ और फिर अगले दिन वो गया, जाकर जो देखा तो कि मैं जरा उसका मुआयना तो करूं कि वो उंगली का हाल क्या है। देखा तो क्या देखता है कि उंगली बिल्कुल हरी कच पड़ी हुई है और फूली हुई है। अब उसे जरा हरी हरी सूझी, उसने कहा कि इसको जरा मैं अब हिलाकर देखूं। एक लकड़ी उसने ली और लकड़ी से उसको हरकत, उसमें जो पॉइजन था जरा उसके कुछ जर्रात उड़े और उस जख्मी हाथ के किसी हिस्से को लगे और शाम होने से पहले वो मर गया। इतना खतरनाक जहर दुनिया के सांप के अंदर होता है तो वो जहन्नम जिसके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वहां सांप इंसान को काटेगा तो 40 साल तक उस सांप के काटने की लहर और उसके पॉइजन और जहर का असर वो महसूस कर रहा होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला फरमा रहा है कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी बचाओ उस जहन्नम से, मजबूत ईमान रखकर, अकायद को मजबूत रख के, नेक अमाल करके अपने आप को भी बचाओ, वह अहलीकुम और अपने अहलो अयाल को, अपने मातहतों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने छोटों को भी उस जहन्नम से बचाओ।
दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिच्छुओं को बनाया है ताकि जहन्नम के बिच्छुओं और उनके डंक मारने और उनके जहर को समझना वो आसान हो। अरब का एक वाकया किताब में लिखा है कि एक शख्स ने एक मर्तबा एक ऊंट को जरा छेड़ दिया और ऊंटों का कीना बड़ा खतरनाक होता है, जब वो बिफर जाते हैं तो फिर इंसान की खोपड़ी भी निकाल लाते। एक मौके पर वो जरा आमना सामना हो गया, जंगल था दोनों तरफ पहाड़ी थी, वो शख्स वहां से हटता हुआ एक गार की तरफ चला गया, गार तंग थी, गुफा तंग थी, उसके अंदर चला गया। ऊंट ने कोशिश की कि अंदर मुंह ले जाए लेकिन उस गार के दहाने पर एक बिच्छू था, बड़ा सा बिच्छू जो तकरीबन हथेली के बराबर होता है, जिसे मोर बिच्छू कहा जाता है। तो उस बिच्छू ने उस ऊंट के मुंह पर डंक मारा जिससे वो ऊंट वहीं के वहीं ढेर हो गया। अब उस इंसान की नजर पड़ी कि ये बिच्छू ने इसको निमटा दिया है, मैं ऊंट से तो बच गया हूं लेकिन अब बिच्छू यहां दहाने पर मौजूद है, इससे मैं कैसे बचूं, उसके पसीने छूट रहे थे। थोड़ा सा मौका उसने देखा और बड़ी मुश्किल से बचते बचाते एक पांव उसने गार के दहाने पर रखा और दूसरा पांव उसने ऊंट की लाश पर रखा। उस बिच्छू के काटने का असर यह हुआ था कि उसका पांव ऊंट की लाश के अंदर धंस गया और पूरी जिंदगी उसका वो पांव काला सियाह रहा, पूरी जिंदगी। ये दुनिया के बिच्छुओं का हाल है मेरे भाइयों। आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जहन्नम के बिच्छू वो गधों से बड़े खच्चरों के बराबर होंगे। एक मर्तबा बिच्छू डंक मारेगा 40 साल तक उसका असर वो जहन्नमी महसूस करता रहेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह फरमा रहा है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपनी औलाद को अहलो अयाल को जहन्नम की उस आग से बचाओ। वकूदुहा الناس والحجارة, जिस जहन्नम का ईंधन लोग हैं और पत्थर हैं। ईंधन उस चीज को कहा जाता है जिससे आग जलती है, आग की जो बुनियाद होती है, जैसे पेट्रोल, जैसे केरोसिन, लकड़ी, कोयला, उसको वकूद कहा जाता है, ईंधन कहा जाता है, जिसकी बुनियाद पर, जिसके बेस पर आग जल रही होती है। जैसे गैस टंकी में गैस जब तक होती है तो गैस चूल्हा वो जल रहा होता है, गैस खत्म चूल्हा जलना बंद हो जाता है। अल्लाह फरमा रहा है उस जहन्नम का ईंधन लोग होंगे, यानी इतनी कसरत से लोगों को जहन्नम में डाला जा रहा होगा कि किसी और चीज को जलाने के लिए लाने की जरूरत। وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, और वहां पर जो ऑफिसर्स होंगे वो कौन, अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद, सख्त तबीयत और सख्त मिजाज फरिश्ते जिनकी पकड़ से कोई छूट नहीं सकता। ला यासुन अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें जो हुक्म दे वो उसके खिलाफ नहीं जाते। वयफअलून मा युमरून, जो हुक्म मिलता है वो करते हैं, ऐसे फरिश्तों को उस पर मुकर्रर किया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस जहन्नम से और जहन्नम के तरह तरह के अजाब से हम अपने आप को और अपने अहलो अयाल को कैसे बचाएं, तरीका क्या है, कैसे बचाएं अपने आप को और अपने अहलो अयाल को। तफसीर कबीर में इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने
हजरत ईसा अला नबीना वाले सलातु वस्सलाम का एक बड़ा प्यारा सा और बड़ा नसीहत आमोज वाकया जिक्र फरमाया है कि एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम किसी काम से तशरीफ ले जा रहे थे, किसी कब्र के पास से गुजर हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कब्र का हाल आप पर जाहिर फरमाया कि उस कब्र वाले के पास मलाइका अजाब है और इस कब्र वाले को वो अजाब दे रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम जिस काम से जा रहे थे उस काम से फारिग हुए और वापस जब तशरीफ ला रहे थे तो बड़ा अजीब माजरा आपने देखा कि अभी कुछ देर पहले तो यहां इस कब्र वाले को अजाब हो रहा था और अब कुछ ही देर के बाद यहां इस कब्र वाले को अजाब नहीं हो रहा है। अभी अभी तो मलाइके अजाब थे और अब यहां पर मलाइके रहमत हैं, और सिर्फ मलाइके रहमत ही नहीं बल्कि उनके पास जन्नती खौन मौजूद हैं, जन्नत की नेमतें मौजूद हैं। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो माजरा देखा तो आपने एक तरफ को होकर दो रकात नमाज अदा फरमाई, रब तबारक व ताला से दुआ फरमाई कि या अल्लाह ये माजरा समझ में नहीं आया, अभी जब मैं इधर से जा रहा था तब तो यहाँ इस कब्र वाले को अजाब हो रहा था, अजाब के फरिश्ते यहाँ पर मौजूद थे और तरह तरह से इसकी कुटाई पिटाई चल रही थी, तरह तरह से इसको सजाएं दी जा रही थी, अब मैं उधर से जब लौट कर आ रहा हूँ तो यहाँ पर अजाब के फरिश्तों के बजाय रहमत के फरिश्ते मौजूद हैं, कुटाई पिटाई और सजा के बजाय इसका एहसास और इकराम हो रहा है, खाने पीने की अशिया यहाँ मौजूद हैं। ये अब तक तो जहन्नम के गढ़ों में से इसकी कब्र जहन्नम का एक गढ़ा बनी हुई थी और अब गोया जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बनी हुई है। ये अल्लाह माजरा समझ में नहीं आ रहा है, ये माजरा क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वही नाज़िल फरमाई कि ईसा दरअसल बात ये है कि ये बड़ा सियाहकार था, बड़ा मुजरिम था, बड़ा बदकार था, बड़ा गुनहगार था और इसने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारी और बड़ा ऐशो इशरत में और अय्याशियों में ये लगा रहा और इसी हाल में दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन जब ये दुनिया से गया इसने अपनी बीवी को उम्मीद से छोड़ा था, वो वक्त गुजरता गया, 9 महीना पूरा हुआ और 9 महीने पूरे होने के बाद इसकी बीवी ने बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे ने जन्म लिया और मुद्दते रजाअत मुकम्मल की, 2 साल दूध पिया, उसके बाद कुछ और वक्त गुजरा, जब ये बोलने जैसा हुआ तो इसकी बीवी ने उस बच्चे को उंगली पकड़कर मकतब का रास्ता दिखाया, मकतब में उसको छोड़ा, मुअल्लिम के हवाले किया और मुअल्लिम के पास जाकर उस बच्चे को बिठाया और मुअल्लिम ने उस बच्चे को बिस्मिल्लाह तलकीन की। उधर वहां उस मुअल्लिम ने बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ाई, यहां मैंने इस बंदे से अजाब को हटा लिया। ए ईसा मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है कि इसका बच्चा जमीन की पीठ पर मेरा नाम ले और जमीन के पेट में मैं उसी के बाप को अजाब दूं। इसलिए मैंने अजाब के फरिश्तों को हटाया और रहमत के फरिश्तों को यहां पहुंचा दिया, अजाब खत्म किया और रहमत का मजहर यहां दिखा दिया। अगर हम अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं तो हमें अपने गांव के हर हर घर के हर हर बच्चे और बच्ची को मकतब में दाखिल करना होगा। हमें ये कोशिश करना है, अभी इस पर हमें मुतमईन नहीं होना है कि 256 बच्चे माशाल्लाह इस मकतब में हैं, तो इस पर मुतमईन नहीं होना है। हमें मुतमईन तब होना है जबकि किसी घर में कोई एक बच्चा भी जो मकतब में आने जैसा हो और वो
यहाँ पहुंच रहा हो, वो बाकी ना रह रहा हो, वो घर पर खेल कूद में मशगूल ना हो, ये हमारी फिक्र होनी चाहिए। हमारे एक साथी इंग्लैंड में है अल्हम्दुलिल्लाह, फलाह दारैन से वो मुमताज अंबरा से कामयाब हुए थे, हमसे 2 साल आगे थे, लेकिन हम उनसे कुछ तरबियत लिया करते थे। तो वो इंग्लैंड में है, उनका उनसे एक मर्तबा मुंबई में हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बतलाया कि हमारे यहाँ का सिस्टम ये है कि जो तालीम का वक्त मुकर्रर है, उस वक्ते मुकर्ररा में किसी बाप का अपना ही बच्चा नहीं, किसी का भी बच्चा अगर महल्ले में नजर आ गया तो उस बच्चे की खैर नहीं, उसके वालिद को फौरन फोन लगाया जाएगा, उसकी वालदा तक इत्तिला पहुंचाई जाएगी, उसके दादा दादी नाना नानी या उसके मामू खालू फूफा वगैरह जो भी वहां रहते होंगे उन सबको इन्फॉर्म की जाएगी कि भाई ये बच्चा पढ़ाई के वक्त में बाहर कैसे। अगर ये मिजाज सिर्फ टाकली खेड़ा का नहीं बल्कि ये जितने उलमा अइमा किराम बैठे हैं और जितने गांव के लोग यहां पर तशरीफ फरमा हैं, हम सब का ये मिजाज बन जाए, अल्लाह करे के बन जाए, तो फिर इंशाअल्लाह हमारे मकातिब को हम मुनज्जम भी कह सकते हैं, मुरत्तब भी कह सकते हैं, और कामयाब भी कह सकते हैं, और मियारी भी कह सकते हैं। अल्लाह करे कि ये मिजाज हमारा बन जाए। हजरत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात फरमाई थी कि अगर आप अपने बच्चों के ईद के मौके पर नए कपड़े लाने के लिए मेहनत और कोशिश करते हैं तो जितनी फिक्र आप अपने बच्चों के नए कपड़ों के लिए करते हैं उससे 100 गुना ज्यादा, और बच्चा अगर दुनियावी तालीम हासिल कर ले तो उसकी जॉब के लिए जितनी आप फिक्र करते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा, और बच्चा अगर बीमार हो जाए तो उसके इलाज मुआलजे के लिए आप अच्छे डॉक्टर का रुख करते हैं और उसकी फिक्र करते हैं, और करना भी चाहिए, तो उससे 1,00,000 गुना ज्यादा इसकी फिक्र करने की जरूरत है कि हमारे बच्चे इस्लाम की हालत में जिंदगी गुजारे और इस्लाम की हालत में दुनिया से जाएं, और ये उसी वक्त हो सकता है जबकि हर हर बच्चा मकातिब से मरबूत रहे, ये उसी वक्त हो सकता है। हजरत मौलाना मंजूर नुमानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मीटिंग में बहुत प्यारी बात फरमाई थी कि देखो, 2 में से 1 चीज के लिए तैयार हो जाओ, 2 में से 1 चीज के लिए, या तो इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि हमारी नस्लें मुर्तद होती हों तो हो जाएं, इस्लाम छोड़ती हों तो छोड़ दें, बच्चियां हिजाब नकाब इफ्फत पाक दामनी से हाथ धोती हो तो धो लें, या तो इसके लिए तैयार हो जाओ, बेगैरत बन जाओ, बेहमियत बन जाओ, बेमुरुवत बन जाओ, बेहया बन जाओ, या तो इसके लिए तैयार हो जाओ कि नस्लें मुर्तद होती हो तो हो जाए, और या फिर इसके लिए तैयार हो जाओ कि हमें अपने मकातिब को मजबूत करने के लिए जितनी मेहनत कोशिश और कुर्बानी देनी पड़े तो हम देंगे इंशाअल्लाह। 2 में से 1 काम के लिए तैयार रहो, अगर मकातिब को मजबूत करने के लिए कुर्बानियां देंगे तो फिर हमारी नस्लों को इर्तिदाद का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज ही एक साहब सुना रहे थे नसरुल्लागंज कि एक जगह एक शोहर का इंतकाल हो गया, तो फौरन उस टीम ने जो इर्तिदाद की जानिब ले जाने की पूरी साजिशें रचती है वो फौरन खैरखा बनकर उस मैयत की बीवी के पास पहुंच गए और उसकी जहन साजी शुरू कर दी। एक साहब जो दावत देने के लिए गए थे
और मेहनत और कोशिश में लगे हुए थे, वो जब मेहनत और कोशिश करने की मेहनत और कोशिश करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उन्हें बात करने तक का मौका नहीं दिया जा रहा। मेरे भाइयों, हाल ये है, अपने मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, मैं भी चूंकि मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखता हूं, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं कि एक जगह से मेरे पास फोन आया। उस वक्त मैं सेंधवा था, दारुलूम सेंधवा में था, मेरे पास फोन आया और मसला दरियाफ्त किया कि अगर किसी को नमाज जनाजा के बगैर दफन कर दें तो क्या मसला है। मैंने मसला बतला दिया कि जब तक लाश फटे नहीं तब तक नमाज पढ़ सकते हैं। वक़द्दरहु अबू यूसुफ बिसलासति अय्याम, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह ने उसका अंदाजा 3 दिन से लगाया है। मसला मैंने बतला दिया, लेकिन मैंने पूछा कि आखिर बात क्या है। ये मसला आप पूछ रहे हैं, आम तौर पर ऐसे मसाइल लोग पूछते नहीं है, मसला पूछने की वजह क्या है। तो वो कहने लगे कि बात दरअसल ये है कि आज ही हमारी जमात यहाँ पर पहुंची है और गुज़िश्ता कल एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसे नमाज जनाजा के बगैर दफन कर दिया, इसलिए कि पूरे गांव में किसी को नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आता, पूरे गांव में किसी को नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आता, इसलिए नमाज जनाजा के बगैर दफन कर दिया। मेरे भाइयों, ये मकातिब हैं जिनके बारे में हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, साहिब फतहुल बारी, शारह बुखारी, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल, अत्तअल्लुम फिस्सिगर कन्नक्श फिल हजर, बचपन में इल्म हासिल करना, सीखना, सिखाना, ये ऐसा होता है जैसा कि पत्थर में नक्श निगार। आपने देखा होगा जो पुरानी मस्जिदें और पुराने मकबरे और पुरानी पुरानी इमारतें और कई सारे किले, ये जो इको बनकर बात सुन, दिल्ली तक आवाज नहीं पहुंचाना है, बंद ही कर दिया आपने, अरे आवाज यहां तक तो पहुंचाना है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अत्तअल्लुम फिस्सिगर कन्नक्श फिल हजर, यानी बचपन में जो सीखना सिखाना होता है वो ऐसा होता है जैसे पत्थर में नक्श निगार। आपने देखा होगा पुरानी जो इमारतें होती हैं वहाँ कतबे लगे होते हैं, उसमें कुछ कंदा होता है, तो वो पत्थर बसा औकात 400-500 साल पुरानी इमारतें होती हैं, तो वो पत्थर बसा औकात इमारत के पुराना होने की वजह से टूट कर गिर तो जाता है, टुकड़े हो जाता है, लेकिन जो उसमें मनकूश होता है वो मिटता नहीं है। बचपन में जो कुछ सिखाया जाता है ये ऐसा ही है कि ये बच्चे बूढ़े होकर मर तो सकते हैं, लेकिन बचपन में इनको जो कुछ सिखाया गया है तो वो मिटने वाला नहीं है। और बचपन में जो सिखाया गया होता है उसी पर नमाज की ट्रेन दौड़ रही होती है। तो बहरहाल मेरे भाइयों, हमें अपने आप को और अपने बच्चों को, अहलो अयाल को अगर जहन्नम की आग से बचाना है तो उसके लिए हमें अपने मकातिब को मजबूत करना होगा, मुनज्जम करना होगा, मुरत्तब करना होगा। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो ये कि हम आपस में इज्तिमाई तौर पर सोचना सीखें, इज्तिमाई फैसले लेना सीखें। जो कौम इज्तिमाई फैसले लेती है वही कौम कौमों की तकदीर बदला करती है और मुल्कों के तारीख बदला करती है। और जो कौम इज्तिमाई फैसले नहीं ले पाती
तो फिर उनका कोई हामी और मददगार और नासिर नहीं हुआ करता, फिर वो दूसरों के इशारों पर नाचने वाली होती। इज्तिमाई तौर पर हमें फैसला लेना होगा और इज्तिमाई तौर पर फैसले लेने के लिए आपस में इज्तिमाईयत और इत्तिफाक और इत्तिहाद का होना अजहद जरूरी है। हमारा हाल यह है कि अगर एक बाप के चार बेटे हैं, किसी बाप के तीन बेटे हैं, तो आपस में उनके अंदर ही इतना इख्तिलाफ इंतिशार होता है कि पता चलता है कि मीठी ईद आई, सिवैयें यहां भी बनी वहां भी बनी, लेकिन ना यहां की सिवैयें उसने खाई ना वहां की सिवैयें इसने खाई। यह हाल होता है। सगे भाई बहनों के दरमियान इतना इख्तिलाफ, इतना इंतिशार, एक महल्ले के अंदर रहने वाले वो अफराद जिनके मकानों की दीवार एक, वो लोग जिनके खेतों की मुंडेर एक, वो जो मकान के एतबार से पड़ोसी, खेत के एतबार से पड़ोसी, उनके दरमियान भी इतना शदीद इख्तिलाफ और इंतिशार होता है कि यल्तकियान फयुअरिज़ु हाज़ा वयुअरिज़ु हाज़ा का मंजर नजर आ रहा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, कि किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो अपने भाई को तीन दिन से ज्यादा छोड़े रखे कि जब आमना सामना हो जाए तो वो इधर मुंह करता हो और वो उधर मुंह करता हो, ये उससे एराज करता हो, वो इससे एराज करता हो। आका ने तो ये सिखाया है कि वह खैरुहुमा अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, कि इन दोनों में बेहतर वो है जो सलाम में पहल करे। हकीम तिर्मिजी ने जिक्र किया है कि जिन दो लोगों के दरमियान अनबन थी, वो दो लोग अगर उनमें से किसी का दिल नरम होता है और वो सलाम में पहल करता है कि जाने दो, अफ़ व दरगुजर से काम लेता है, वो सलाम में पहल करता है और दूसरा सलाम का जवाब दे देता है, तो अल्लाह तबारक व ताला इन लोगों पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, जिनमें से 90 रहमतें सलाम में पहल करने वाले पर अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है। ये आपस के इख्तिलाफ इंतिशार ये कब तक चलते रहेंगे? आका ने यहां तक फरमाया है कि हर पीर और जुमेरात को अल्लाह तबारक व ताला जन्नत के दरवाजे खोलता है, हर पीर और जुमेरात को अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं और हर बंदे मोमिन की जो शिर्क से बचता हो मगफिरत की जाती है, लेकिन उन दो लोगों को उनके हाल पर छोड़ा रखा जाता है जिन दो के दरमियान आपस में कीना हो, कुदूरत हो, अदावत हो, नफरत हो, दुश्मनी हो, आपस में वो अनबोले हो, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि अनज़िरु हाज़ैन, इन दोनों को मोहलत दो, इन दोनों को अपने हाल पर छोड़े रखो। कब तक? हत्ता यफीआ, और वफी रिवायतिन हत्ता यस्तलिहा, जब तक के आपस में सुलह सफाई ना हो जाए, जब तक के एक दूसरे से मेल मिलाप ना हो जाए, मुलाकात ना हो जाए। बल्कि ये आइंदा कल शबे बरात है, शबे बरात 15वीं शाबान, जिसके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान मनकूल है कि अल्लाह तबारक व ताला इस एक रात में कबीले कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमाता है। कबीले कल्ब में बकरियां बहुत ज्यादा थी और आप काश्तकार लोग हैं, पता नहीं आपने गिना हो कभी, मैं तो नहीं गिन पाया, पता नहीं आप में से किसी ने गिन लिया हो कि किसी एक बकरी की खाल पर कितने बाल होते हैं। बकरी तो छोड़िए, किसी बकरी के छोटे से बच्चू, बच्चा भी नहीं बच्चू, उसके बालों को कभी गिना हो आप में से किसी ने? अरे है कोई टाकली खेड़ा में ऐसा जिसने गिना हो कि बकरी के बच्चे के खाल पर कितने बाल होते हैं? अरे है कोई?
किसी ने गिना है? यकीनन इतनी कसीर तादाद में होते हैं कि गिनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। आका फरमा रहे हैं कि उस एक रात में अल्लाह तबारक व ताला कबीले कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमाता है, लेकिन जिन लोगों की मगफिरत नहीं होती उनमें से एक मुशाहिम भी है, यानी वो जो दिल में कीना रखता हो, जो लोगों से लड़ाई झगड़े करता हो। मेरे भाइयों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां तक इरशाद फरमाया कि किसी शख्स के लिए हलाल नहीं है कि वो 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से, अपने मुसलमान भाई से अनबोला रहे, उसे छोड़े रखे। अगर उसने 3 दिन से ज्यादा छोड़े रखा और इसी हाल में मर गया तो सीधा जहन्नम में जाएगा, सीधा जहन्नम में जाएगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमसे। एक हदीस में आका ने यूं फरमाया कि जो अपने मुसलमान भाई से एक साल तक इख्तिलाफ इंतिशार का शिकार रहे और उससे तरके ताल्लुक रखे और उसके साथ बदसलूकी कर रहा है, उससे नहीं बोल रहा है, तो वो उसका गुनाह ऐसा है जैसा कि फहुआ कसफ की दमी ही, जैसा कि उसने उसका मर्डर कर दिया हो। मेरे भाइयों, बड़े सख्त लहजे में आका ने फरमाया था, या माशर मन अस्लम बिलिसानिही वलम युफ़ज़िल ईमान इला कल्बिही। ए उन लोगों की जमात जो जुबान से मुसलमान लेकिन ईमान उनके दिलों तक पहुंचा नहीं। आका ने फरमाया था, ला तुज़ुल मुस्लिमीन, मुसलमानों को तकलीफें ना दो, वला तुअय्यिरूहुम, उन्हें आर ना दिलाओ, वला तत्तबिउ औरातिहिम, उनके ऐब की टोह में ना रहो, उनके ऐब तलाश करते ना फिरो, ऐबों को उछालते ना फिरो। क्यों? इसलिए कि जो किसी मुसलमान के ऐब तलाश करता रहेगा फिर अल्लाह तबारक व ताला उसके ऐब तलाशेगा, और अल्लाह जिसके ऐब तलाशेगा तो चाहे वो अपने घर के बीचों बीच बैठा हो लेकिन अल्लाह उसके घर के बीचों बीच बैठने के बावजूद उसे जलील और रुसवा कर देगा। इन चीजों को हमने बहुत हल्का समझा, बहुत छोटा समझा, बल्कि आका ने यहां तक फरमाया सबसे बदतरीन सूद, इन मिन अरबर रिबा, बदतरीन सूद। अव्वल तो सूद होता ही बदतरीन है, सूद होता ही बड़ा खतरनाक है कि सूद लेने वाला गोया लोगों का खून चूस रहा है। और मैं वैसे ही अर्ज नहीं कर रहा हूं, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपना ख्वाब बयान फरमाया था, जिब्राइल और मीकाइल अलैहिमस्सलातु वस्सलाम जो आपको लेकर गए थे, उसमें आपने जो कई सारे मनाजिर देखे उनमें से एक मंजर ये था कि एक शख्स किसी हौज के दरमियान है और एक शख्स उसके किनारे पर बैठा है, वो कोई हौज है, नहर है, नदी है, उसके दरमियान है, वो वहां से किनारे तक आता है और वो जो किनारे पर बैठा है कई सारे पत्थर उसके पास में है, और वो जो नहर है, वो जो नदी है, तो वो पानी से नहीं बल्कि खून से भरी हुई है, और वो वहां से तैरता हुआ आता है, किनारे पर पहुंचता है, और वो जो किनारे पर बैठा है वो पत्थर उसके मुंह में डाल देता है, वो फिर लौट कर जाता है वहां दरमियान तक और फिर वापस आता है, फिर पत्थर उसके मुंह में डाला जाता है। वो नहर, वो नदी, वो हौज कोई पानी का नहीं बल्कि खून का था। और आका ने जब पूछा कि ये क्या, ये कौन, और ये किस जुर्म की पादाश में उसे सजा, तो जवाब ये दिया गया था कि ये सूद खोर हैं, ये ब्याज खोर हैं। तो सूद तो अव्वल वैसे ही बड़ा खतरनाक होता है। एक हदीस में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहां तक इरशाद फरमाया कि सूद का एक दिरहम, सूद का एक दिरहम 36 मर्तबा जिना करने से भी ज्यादा शदीद होता है। सूद का एक दिरहम 36 जिना से भी अशद होता है, ज्यादा कबीह होता है, बुरा होता है। इसलिए कि जैसा खावे अन वैसा होवे मन,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगंबरों को यूं हुक्म दिया, या अय्युहर रुसुल कुलू मिन अत्तय्यिबात वअमलू सालिहा, अच्छा खाओ और नेक अमल करो। मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि दोनों को एक साथ इसलिए फरमाया कि अकले तय्यिब को अमले सालिह में बड़ा दखल है। गिजा पाक साफ होगी तो फिर बदन से निकलने वाले आमाल वो सालिह होंगे, अच्छे होंगे, और गिजा खराब होगी तो फिर आमाल सालिह नहीं निकलेंगे बल्कि आमाल तालिह निकलेंगे, बुरे काम इंसान कर रहा होगा। तो अव्वल तो सूद होता ही बदतरीन है, इतना खतरनाक होता है, और उसमें भी बदतरीन सूद किसको कहा, इन मिन अरबर रिबा अल इस्तिताला फी इर्ज़ अखीहिल मुस्लिम, अपने मुसलमान भाई की इज्जत से खिलवाड़ करना, उसकी चुगलियां करना, गीबतें करना, बहतान लगाना, उसे बेइज्जत करना, उसे जलील और रुस्वा करने की कोशिशें करना, बदसुलूकी से पेश आना, इसको और भी ज्यादा खतरनाक सूद करार दिया, और भी खतरनाक सूद। इसलिए कि माल इंसान खर्च कर देता है इज्जत को बचाने के लिए, लेकिन माल को बचाने के लिए इंसान इज्जत दांव पर नहीं लगाया करता। जो अकलमंद इंसान इंसान कहे जाने के काबिल हो। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये जर्री मौका अता किया है। बहुत लंबा सफर तय करके आया हूं और काफी वक्त से सोच रहा था कि क्या अर्ज करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह आयत शरीफा जहन में डाली और ये बातें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन में डाली हैं ताकि हम समझने वाले बने, अमल करने वाले बने। जलसों से दीन नहीं फैलता है, जलसों से दीन नहीं फैलता, लेकिन जलसों से एक शोला भड़कता है, एक चिंगारी जलती है, महमेज लगती है, और इंसान को कुछ करने का जज्बा मिलता है। अगर ये कुछ मिला और अमल का दाइया पैदा हुआ, अमल का शौक पैदा हुआ, तो समझ लीजिए कि जलसा कामयाब है। वरना चाहे बिरयानी पका लीजिए या गोश्त मांडे पका लीजिए या आप नाचते रहें, नचाते रहें लोगों को। ये नाचना लफ्ज भी बड़ा अजीब है। जैसलमेर से बीकानेर अगर आए तो दरमियान में एक गांव आता है, बाई बस अगर आए बाई रोड तो गांव आता है, दरमियान में एक नाचना, एक गांव का नाम है नाचना। जैसलमेर से बीकानेर अगर आएंगे तो दरमियान में एक गांव आता है, उसका नाम होता है नाचना। जो बस जा रही होती है, जैसलमेर स्टेशन पर पहुंची, बस स्टेशन पर पहुंची तो जो कंडक्टर होते हैं, एजेंट होते हैं, वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चलो भाई आ जाओ, नाचने वाली बस आ गई। जब उस गांव में बस पहुंचती है तो कंडक्टर निदा लगाता है, सदा लगाता है कि नाचने वाली सवारी आ जाए, बस आगे जाएगी, नाचने वाली सवारी आ जाए, उतर जाए, बस आगे जाएगी। वो एक मर्तबा ये हुआ कि इमरजेंसी के दौर में एक रॉ ऑफिसर वहाँ पहुँचाया गया था और उसने सोचा कि अब इमरजेंसी का दौर है तो मुझे सीधे थाने पहुँचना चाहिए। वो सीधा थाने पहुँचा और थाने पहुँचकर उसने सिपाही से पूछा कि दारोगा साहब कहाँ हैं, तो सिपाही कहने लगा कि दारोगा साहब नाचने गए। वो ऑफिसर, रॉ ऑफिसर, वो सोचा कि ये रात का वक्त है, ये कुछ पिया विया होगा, अफीम अफीम खाई होगी या कुछ पौवा अद्दा रम विस्की ठर्रा कुछ ना कुछ चढ़ाया होगा इसने। तो उसने था तो पूछा कि अरे भाई ये बतलाओ कि वो डिप्टी साहब कहाँ हैं, का डिप्टी साहब भी नाचने गए हैं।
उसने सोचा कि ये तो वाकईतन चढ़ाया हुआ है। उसने जल्दी से फ़ोन का रुख किया और फ़ोन का रुख करके और फ़ोन एसपी साहब के घर लगाया और एसपी साहब के घर जो फ़ोन की घंटी बजी तो वहाँ से एक मोटी खातून की मोटी मोटी भद्दी भद्दी आवाज़ जो आई, हेलो। तो कहा कि वो एसपी साहब कहाँ हैं? कहा वो एसपी साहब तो नाचने गए हैं। मैं कहा ये सबको क्या हो गया है? तो पास में मुंशी ये सब बातें सुन रहा था। उसने कहा कि दरअसल बात ये है कि दिल्ली से मिनिस्टर नाचने आए हैं तो सारे अफसरान भी नाचने गए हैं। तो आप चाहे कितना ही नाच लें, लोगों को नचा लें, लेकिन अगर इन जलसों में बैठकर अमल का जज्बा पैदा हुआ, दाइया पैदा हुआ और कुछ करने का सोचा और अज़्मे मुसम्मम किया तो समझो कि आपका जलसा कामयाब है, वरना तो समझ लीजिए कि सब नाचना नचाने जैसा हो जाएगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो आज के जलसे का पैगाम ये है, आज बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, ये साउंड सिस्टम जो है ना ऐसा लग रहा है कि जान लेकर छोड़ेगा, बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो आज जो बातें हमारे सामने आई हैं तो इन बातों में खुलासे के तौर पर मैं अर्ज़ कर दूं, नंबर एक, हमें अपने मकतब को मजबूत करने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहना है इंशाअल्लाह। हमारे गांव में कोई ऐसा बच्चा बच्ची जो पढ़ने की उम्र के हों और वो पढ़ने ना आ रहे हों, ऐसा हरगिज नहीं होगा इंशाअल्लाह। हर एक बच्चे और बच्ची को हम अपने मकतब में ज़रूर लाएंगे और पाबंदी के साथ पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। और आपस के जो इख्तिलाफ हैं, आपस के जो इंतिशार हैं, आपस की जो लड़ाइयां हैं, खेतों की, मकानों की, दीवारों की या रास्तों की या पास पड़ोस की या नमाजों की या ठंडी और गर्मी के मौसम में पंखों की, बाज जगहों पर पंखों की लड़ाइयां हो जाती हैं। एक कहता है नहीं मैं पंखा चलाकर नमाज पढ़ूंगा, दूसरा कहता है नहीं नहीं पंखा तो चला ही नहीं सकता, तो इस पर भी लड़ाइयां हो जाती हैं। और बसा औकात घरों की लड़ाइयां मस्जिदों में आकर निकलती हैं। इन तमाम चीजों से हम तौबा करेंगे, इस्तिगफार करेंगे और पक्की सच्ची तौबा करके नेकी सलाह तकवे वाली जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले इस सियाकार गुनहगार खताकार को अमल की तौफीक अता फरमाए, सानियन आप सभी को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इखलास के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम शुक्र अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं आप तमाम हजरात का कि आप तमाम हजरात ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम सजाया है और बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन ये उसी वक्त कामयाब कहलाएगा जबकि अमल का जज्बा हम अपने अंदर लेकर उठें। और शुक्रिया अदा करते हैं इन तमाम उलमा इकराम का कि ये क़ुर्ब जिवार से, अतराफ अकनाफ से या दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला हम मुझ सियाकार को इन तमाम के उलूम और फ़ुयूज़ से बहरवर फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। भाई दुआ जो है वो इबादत का मगज़ है और दुआ मोमिन का हथियार है, और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने पिछले नबियों को फरमाया था कि तुम मांगो मैं कबूल करूंगा, और इस उम्मत को कहा कि तुम मांगो और मैं तुम्हारी बात कबूल करूंगा, दुआ कबूल करूंगा। तो ये बड़ी अहम तरीन बात है, और दुआ पढ़ना और है और दुआ मांगना और है। तो अगर कोई उज्र ना हो तो जिस तरह नमाज में कादे में बैठते हैं उस तरह से बैठ जाएं, उज्र हो अलग बात है, उज्र हो तो फिर जैसे सहूलत हो, अगर उज्र ना हो तंदुरुस्ती हो तो जिस तरह कादे में तशहुद में बैठते हैं उस तरह से बैठ जाएं। अपने गुनाहों पर नदामत हो, शर्मिंदगी हो, आइंदा
गुनाह ना करने का पुख्ता इरादा हो और जिस गुनाह में भी मुब्तला है उस गुनाह से अभी रुक जाए, फौरन उससे दूर हो और जिस किसी का कोई हक हमारे जिम्मे हो तो उसे लौटाने की पूरी फिक्र करें और पूरा इरादा करें। अब दुआ मांगे। اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا دائما مع دوامك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا ذا العرش المجيد يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا راحم المساكين اے اللہ ہم سب گنہگار خطا کار سیاہ کار مجرم اے اللہ تقریباً آدھی رات گزر چکی سونے والے سو چکے نیک بندے تیرے سامنے کھڑے ہوں گے سجدے میں ہوں گے جھکے ہوں گے تلاوت میں مشغول ہوں گے گناہ کرنے والے گناہوں کی راہوں پر چل چکے ہوں گے اے اللہ تیرا بے حد شکر ادا کرتے ہیں اے اللہ تیرے احسان مند ہیں کہ تُو نے ڈھلتی شام سے نصف لیل تک تقریباً اے اللہ قرآن پاک حدیثیں دعائیں دینی باتیں سننے سنانے میں لگا کر رکھا گناہوں سے بچا کر رکھا اے اللہ اس دینی مشغلے میں تُو نے لگا کر رکھا تو اے اللہ اس کو ضائع ہونے سے محفوظ فرما اے اللہ اس دینی مشغلے میں لگنے کو لگانے کو بے انتہا قبول فرما اور اے اللہ اس میں عجب تکبر ریاکاری اور طرح طرح کی جو مہلک چیزیں مہلک امراض ایسے آ جاتے ہیں جو نیکیوں کو برباد کر ڈالتے ہیں اے اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اخلاص عطا فرما اخلاص عطا فرما اے اللہ ہم سب کو مخلص بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پکا سچا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اسلام کو دشمن غیروں اے اللہ اسلام کو نقصان دشمنوں سے نہیں پہنچا ہے بلکہ نقصان تو ہم سے پہنچا ہے اے اللہ ہم نے اسلام کو صحیح طور پر برادران وطن کے سامنے پیش نہیں کیا اے اللہ ہم نے اپنی زندگی میں اسلام کو صحیح طور پر اتارا نہیں بڑے قصوروار ہیں بڑے مجرم ہیں خطا کار ہیں اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما اے اللہ یہ سرزمین پر اے اللہ کئی سارے حفاظ علماء اے اللہ نیک لوگ یہاں جمع ہیں اے اللہ معصوم معصوم بچے بھی آدھی رات تک یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ کوئی مال کا لین دین کوئی تجارت کوئی رشتہ ناتا کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے اے اللہ یہ تحابو بروح اللہ اے اللہ یہ تیرے کلام کی محبت میں یہاں جمع ہے اے اللہ ان سب نیک لوگوں کی برکت سے مجھ کو نگار کو بھی معاف فرما اے اللہ اے اللہ ہم سبھی کی مغفرت فرما اے اللہ ہم سبھی کے سبھی گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ آئندہ کل شب برات ہے اے اللہ کئی سارے فیصلے ہونے ہیں اے اللہ زندگیاں موتیں لکھی جانی ہیں اے اللہ پتہ نہیں ہم نے سے کس کا نام موت کے رجسٹر میں لکھا جائے اور حوالے کر دیا جائے مولا کریم کئی سارے ہمارے دوست احباب پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور وہ اب نہیں ہیں اے اللہ اگر زندگی مقدر ہے تو نیکی صلاح تقوی کے ساتھ زندہ رہنا اے اللہ
اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ کرنا نصیب فرما. اور اللہ اگر موت مقدر ہے تو مولا کریم ایمان والی موت نصیب فرما. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اے اللہ یہاں کے نوجوان بزرگ بچے سبھی کئی دنوں سے تیاریوں میں لگے ہوئے تھے, محنتیں کوششیں کر رہے تھے, قربانیاں دے رہے تھے. اے اللہ جب تو نے اتنی توفیق مرحمت فرمائی ہے تو یا اللہ اب عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے. اے اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے. اے اللہ کہنے والا سننے والے سبھی محتاج ہیں. مولا کریم ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ پھر ان اعمال کو قبول فرما لے. یا اللہ مقبولیت محبوبیت عطا فرما دے. اے اللہ مبغوضیت سے حفاظت فرما لے. اے اللہ اپنے فضل سے مولا کریم دنیا بھر کی مساجد مدارس مکاتب مقابر خانقاہوں کی دعوت تبلیغ کی حفاظت فرما. اے اللہ اصول صحیحہ کے ساتھ دعوت تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ غلو سے تحریف سے حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل سے مولا کریم ہم میں سے ہر ایک کو مقبول حج اور مقبول عمرہ نصیب فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی مسجد اقصا کی اے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ اپنے فضل سے مولا کریم اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ مولانا صادق سلمہ بیمار ہیں اس کے باوجود تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کر رہے تھے. مولا کریم اس سیرت طیبہ کی مبارک نسبت پر مولا کریم انہیں بھی اور مجھے بھی اور اس مجمع میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سبھی کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ عافیت تامہ نصیب فرما. اے اللہ اس علاقے میں بھی اے اللہ مدارس قائم دائم فرما. اور اے اللہ جو مدارس قائم ہیں انہیں معیاری تعلیم والا بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام تر مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو مکان دکان کھیت کھلیان اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہر ایک مسلمان کو عزت والی برکت والی حلال روزی نصیب فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, درجات بلند فرما, جنت الفردوس نصیب فرما. اے اللہ ہم کچھ نہیں آتا. اے اللہ جو کچھ ہم بولنا لکھنا پڑھنا سیکھے ہیں اے اللہ آپ کے فضل سے اور اے اللہ اساتذہ اکرام کی محنتوں اور توجہات کی برکت سے. اے اللہ ہمارے جتنے اساتذہ تیری رحمت میں آ چکے ہیں اے اللہ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما, درجات ان کے بلند فرما, جنت الفردوس انہیں نصیب فرما. اے اللہ اور جتنے اساتذہ ہمارے حیات ہیں اے اللہ ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرما. جن ساتھیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان کی جائز تمنائیں پوری فرما. جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.